गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर के बाद फिर एक और एनकाउंटर राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ है, लेकिन यह एनकाउंटर राजस्थान पुलिस ने नहीं किया बल्कि पंजाब पुलिस ने अंजाम दिया है। पुलिस मुठभेड़ में पंजाब के इनामी बदमाश व शार्प शूटर विक्की गोंडर समेत 3 बदमाश मारे गए हैं। इनके पास भारी हथियार भी मिले हैं। मरने वाले बदमाश विक्की के अलावा परमा लाहौरिया सुखप्रीत बुड्ढा है। तीनों ही पंजाब के नामी बदमाश हैं। इन्होंने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व यूपी में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रखा है। कुछ महीने पहले विक्की समेत 5 बदमाश नाभा जेल की दीवार तोड़कर भाग गए थे, तभी से पंजाब पुलिस को इनकी तलाश थी। शुक्रवार को सूचना मिली थी कि गंगानगर के एक गांव हिंदुमल कोट में ये बदमाश ठहरे हुए हैं, तो पुलिस ने राजस्थान पुलिस को कोई सूचना दिए बिना वहां घेरा डाल दिया और बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा। इन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और पुलिस पर ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। करीब 60 राउंड गोलियां पुलिस और बदमाशों की तरफ से चली। काफ़ी देर गोलीबारी के बाद जब गोलियां चलनी बंद हो गई तो पुलिस घर में घुसी, जहां बदमाश गोलियों से छलनी पड़े थे। तीनों बदमाशों का पोस्टमार्टम गंगानगर में करवाया गया है। हिंदुमल कोट थाने में पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है। विक्की डिस्कस थ्रो का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, लेकिन स्वभाव से गुस्सेल और क्रोधी था। इसी वजह से उसकी कई लोगों से दुश्मनी हो गई और वह अपराध की तरफ बढ़ गया। उसने पंजाब में गैंग बनाकर हत्या, फिरौती, अपहरण, डकैती, लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दिया। वह अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारता था और फिर उनके शव पर भांगड़ा करता था। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था ताकि उसकी दहशत बढ़े। उसने कई पुलिस अफसरों को भी जान से मारने की धमकियां दे रखी थी। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल और हमारी वेबसाइट www.janprahari.com पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।